नॉर्मली आप देखें कि जो एंटिसिपेशन होती है, लोग जिसका वेट करते हैं, वो कई दफ़ा कोई बहुत बड़ी फिल्म होती है या कोई बहुत बड़ी चीज़ आने वाली होती है, उसकी इतनी एंटिसिपेशन होती है। गालिबन शायद ये पहली दफ़ा हुआ कि किसी गाने की इतनी एंटिसिपेशन हो लोगों की कि लोग वेट कर रहे थे। भाई हाजिर है ये बड़ा एक ख़ुद ब खुद से ही बन गया था कॉन्सेप्ट, क्योंकि बस उस दिन सुबह उठ के मैंने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। क्या वीडियो में कैसी जिद्दत होनी चाहिए, एक नई चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आपके कम अज़ कम मैं अगर कोई काम करूँ तो हर दफ़ा लोगों के लिए कुछ उसमें नई चीज़ हो, और चूँकि लोगों के लिए हो रही थी तो मैंने कहा क्यों ना लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। तो फिर उसी वक्त सोचा, कोरियोग्राफी मैंने बनाई सुबह, तो वो बना के फ़ोन से आए मोबाइल से लोगों को भेज दी कि आप भेजें रिकॉर्ड करके, और लोगों ने भेजना शुरू कर दी। एल्बम जी मेरी हुस्न के नाम से एल्बम तैयार हो रही है, तकरीबन तैयार है। हमारा प्लान तो है जी मार्च के एंड में या अप्रैल में हम वो रिलीज़ करेंगे। डिफाइन ट्रबल 2 जो है वो अगले साल आएगी, और उसमें कास्ट अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कास्ट होगी, और कोशिश यही है कि 1 के बाद 2 जो है वो 1 से भी ज़्यादा बेहतर हो। देखिए जी, उर्दू न्यूज़ के थ्रू मैं तो मैसेज एक ही देना चाहूँगा कि हमारी ज़बान जो है उर्दू, इसको हमें संभाल के रखना है, इसको बोलते रहना है, और ज़बान एक कौम की शनाख्त होती है। उर्दू लिटरेचर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें जो नई जनरेशन है, क्योंकि अब हिंग्लिश और इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा उस पर एम्फेसिस आ रहा है, एक क्लास का उस पर बहुत ज़्यादा आ रहा है एक का, तो ज़बान से ज़रूर ताल्लुक़ रखें और सच को फॉलो करते रहें, फैक्ट्स को फॉलो करते रहें।